ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में कोई बच्चे को दिक्कत है? ठीक, क्या सदर नंबर कमीशन डीसी? नोट कर लिए? इसी में बताए थे आप लोगों को कि जब कभी भी बैलेंस अगर मान लो मैच नहीं करे डेबिट क्रेडिट, तो उसी के ऊपर क्या करेंगे, कौन सा काम बताए थे? बैलेंस सीधे भी नहीं, इसे बताए थे कि जब आपको चार बैलेंस डज नॉट टैली, और अगर इसमें क्रेडिट साइड आ गया याद रखना है। तो और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट ना, तो फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा इसके बाद फेयर वैल्यूज के बाद आप लोगों को थोड़ा हम बताएंगे उसके फाइनल अकाउंट के बारे में, वहां पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे।
यहाँ नॉर्मल यही समझ लो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जैसे कैश बैलेंस बनाते हैं इंड में, उसी तरह से फिनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या बनाते हैं, इंड में ही बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट एज वेल एज पोजिशन, हमको अगर बिजनेस का रिजल्ट जानना है, परफॉर्मेंस जानना है या उसका पोजिशन जानना है, तो इसको इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट और सेकेंड इज कॉल्ड क्या, पोजिशन स्टेटमेंट। बच्चे पढ़ के आए फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द पार्ट ऑफ क्या, इनकम स्टेटमेंट, बट बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ क्या, पोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को तैयार करने का मेन मकसद है, क्योंकि इसके बेसिस पर मुझे क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। अगर ट्रायल बैलेंस क्या मैच कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, तो फाइनल अकाउंट भी क्या होगा, वहां पर बैलेंस शीट इक्वल होगा, और ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल नहीं हुआ, वहां पर बैलेंस इक्वल नहीं होगा। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पर बनाते हैं, लेजर, क्या लेजर बैलेंस को, अगर हमको बैलेंस शीट ही नहीं दे दिया तो हमको लेजर की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग समझे हैं कि बैलेंस मेथड इज अगर क्या साइंटिफिक मेथड ना, उसके बाद देखो तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। The following question likhiye, the following are the balance extracted from the books of Mr. A. मिस्टर ए मुखोपाध्याय, ठीक है, मिस्टर ए ही सिर्फ लिखो ना, छोड़ो, मिस्टर ए प्रिपेयर द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर, आवाज नहीं आ रहा है क्या, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019 2000, कैश में लिखेंगे 2000, कैपिटल लिखेंगे 80,000, 80,000, परचेज लिखेंगे, परचेज 80,000, परचेज लिखेंगे 85,000, परचेज 85,000, सेल्स लिखो 108,400, 400 लिखो, परचेज रिटर्न 6,000, स्पीड करो, परचेज रिटर्न 6,000,
सर्जेंट परचेज रिटर्न 6000 सेल्स रिटर्न 4000 सेल्स रिटर्न 4000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डिस्काउंट अलाउड 1300 डिस्काउंट अलाउड 500 500 amount of 5000 something greater CUNDRY और यहाँ राम से हम कौन सी का कौन सी का दिखा हुआ है कौन सी का कौन नहीं सबको मिलाकर ये एक नंबर का कंट्री ट्रेडर CUNDRY समझ आ गया बिजनेस का नाम ये समान बेच रहा वो 10 आदमी को क्रेडिट बेच दिया तो 10 का नाम जब चार आदमी समझ लेंगे ठीक है तो बहुत बड़ा हो जाता है अमाउंट लिखिए 70000 सन्ड्री क्रेडिटर 40000 40 इन्वेस्टमेंट 8000 इन्वेस्टमेंट 8000 नहीं प्लांट एटमॉस्फेरी खुद बोल देंगे कहाँ हो जाएगा इसके चलो सीधे प्लांट एटमॉस्फेरी प्लांट एटमॉस्फेरी 15000 बिल्डिंग 20000 फर्नीचर 6000 फर्नीचर 6000 इलेक्ट्रिसिटी 700 पोस्टेज पोस्टेज 400 राइट 8000 कोई बात नहीं अगले पेज पर लिखो सैलरी 6000 अरे बच्चे नहीं पड़ेगा घूम बना देंगे क्या नहीं कर रहे हो खुद बना देंगे सैलरी 6000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 कॉन्सेप्ट क्या रखना तू कॉन्सेप्ट बताए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना होता है 2000 बच्चे इसको ट्रायल बैलेंस बनाना है सही बच्चे शांति होकर के बनाएंगे और
एसेट्स प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज एसेट्स एसेट्स को डेबिट करना है सही बच्चे अपने अपने मन से बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्सपेंसेस है, डेबिट नहीं होगा। आवाज नहीं बचे डेबिट में होगा, एक्सपेंसेस है। क्या प्रिंटिंग? हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस सब में जनरली रहता है मशीन, प्रिंटिंग उंटिंग नहीं करते हैं, वो खर्च हुआ, एक्सपेंसेस हुआ उसके लिए। नहीं डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ कैंडिडेटर एसेट्स है, लायबिलिटी पर तीन चार
फर्नीचर एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, हाँ आवाज नहीं करो, और लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। सब तुम से पूछ रही हो बनाओगी क्या, तो दिमाग लगाओ ना, सोचो ना, आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दी तो आपके लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ कि लायबिलिटी हुआ, पर पैसा कहीं लगा दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको जी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना, एसेट्स नहीं हुआ आपके लिए। बोलिए अपना लिए हमको लगा पूरा क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछे अभी, इससे अच्छा होता तो हम बना देते आप लोगों को बोर्ड पर।
अब मत पूछो, अब तो अपना खुद से बनाओ। मोबाइल रखो, मोबाइल नहीं यूज करो, करो ना तो बड़ा कहाँ। चलो मोबाइल अंदर रखो। पोस्टेज डेबिट में होगा। मुझे पता नहीं है, ऐड करके देखना पड़ेगा। नहीं मोबाइल यूज नहीं, बच्चे मोबाइल अगर हम देखेंगे यूज करते हो तो हमने लेंगे, समझ लो। अब कोई एक्सक्यूज नहीं उसके बाद।
बोलो एसेट्स डेबिट में होगा। कितने बच्चे का मैच कर गया आंसर? बोथ साइड आर इक्वल। लो जिनका मैच कर गया वो कॉपी है वो हमसे चेक करवा लो। एकदम शांति से बनाओ बाकी बच्चे। ये एक एक करके सब कुछ करके जो है ना बना ली। ठीक है अच्छी अच्छा बात है। एक बार ना फिर बाद आप खुद से बनाओ। करेक्ट है 2,34,400 2,34,400 2,34,400 डेबिट और क्रेडिट। यानी क्रेडिट में सिर्फ कौन कौन सा आइटम है देख लो। क्रेडिट में है कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, सन्ड्री क्रेडिटर। ओनली फॉर फोर आइटम, सिर्फ चार आइटम क्रेडिट में होगा, बाकी टोटल का टोटल आइटम क्या होगा डेबिट में होगा। देखो ना कैपिटल है, सेल्स है, देखो फिर से आपको फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट, सेकंड है सेल्स अकाउंट, थर्ड है परचेज रिटर्न अकाउंट और संडी क्रेडिटर। चलो फिर से को बनाओ पकड़ो। यानी जो कॉन्सेप्ट बताए आप लोगों को एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस। सही बच्चे शांत हो जाओ।
किसी बच्चे को इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? बीबीए बैच टू का आपका एक ही ग्रुप है? भेज दिया पूरा, मैंने दो बाद में देखना।